मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हे हेलो एवरीवन, सो आज मैं हूँ एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में, जहाँ पे जेई मेन शिफ्ट 2 का पेपर चल रहा है, इवन चल क्या रहा है, जस्ट ओवर होने वाला है। तो रिव्यू जानेंगे बच्चों का, स्टूडेंट का, कि पेपर का लेवल कैसे था, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो किस टाइप से आया था। ओके, तो देखते हैं बस जस्ट विद इन 2 मिनट्स, यू नो, बच्चे लोगों से हम बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और आपको रिव्यू दिया जाएगा बेस्ट, यू नो, जिससे आगे की प्रिपरेशन आप उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सको और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रख सको। ओके, मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगा है और मेरी मैथ वीक है। कोई बात नहीं यार, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस ओके, नेक्स्ट के लिए हमें अवेयर हो जाते हैं, है कि नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अच्छी थी, केमिस्ट्री मतलब बढ़िया थी, मतलब फोड़ सकते थे, है ना। फिजिक्स का लेवल कैसे था? फिजिक्स मॉडरेट। मॉडरेट मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कि नहीं? फार्मूला बेस्ड भी थे। ओके, कॉन्सेप्ट वाले भी थे, थोड़ी लेंथी प्रोसेस? नहीं लेंदी नहीं थे। वाह, मतलब मजा आ जाएगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, मतलब बच्चों का अवेयर हो जाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगे हों कि भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के काफ़ी क्वेश्चन थे। ओ वाह, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के काफ़ी थे। ओके डियर, थैंक यू और ऑल दी बेस्ट नेक्स्ट के लिए आपके सेट के लिए, ठीक है। ये नहीं पूछूंगा यार कि पेपर कैसा हुआ, वो तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। बट आपने ये बताना है कि जिससे नेक्स्ट बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले हैं, यू नो, उनको थोड़ा पैटर्न पता चल जाए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उससे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस इजी दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के टफ दिए गए हैं, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत टफ है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत इजी है। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, उसमें लेवल क्या था? तो मैथमेटिक्स में अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखे ना, तो न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा ही है पैटर्न है कि कुछ मैथमेटिक्स में भी इजी क्वेश्चंस है और कुछ बहुत ही टफ है, मतलब केमिस्ट्री ओवरऑल इजी। हां, केमिस्ट्री ओवरऑल ठीक थी, मतलब कर सकते थे, है ना। फिजिक्स में क्या था? फिजिक्स में मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स के कहीं बीच में। ओके, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल जो हम मतलब मान के चलते हैं कि भाई ऐसा पेपर बनने वाला है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको, और दुआएं करेंगे आपके लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जो भी आपने किया होगा वो नहीं पूछूंगा मैं, बट अच्छा ही हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो नेक्स्ट बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जिनका कल या परसों जो भी एग्जाम होने वाला है, कि किस तरीके से वो माइंड मेकअप, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और नॉट? फॉर्मूले, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए होंगे, है ना, डायरेक्ट आए। ओके, ठीक है डियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके गाइस, सो जैसे कि आपने देखा यार कि पेपर का जो लेवल था ना, मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं कि ठीक ठाक, टफ और मॉडरेट के बीच में था। केमिस्ट्री ओवरऑल जैसे कि हम मान के चलते हैं कि इजी पार्ट रहेगा, और फिजिक्स मॉडरेट लेवल था, मतलब आप कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, नो वरी एट ऑल, आप अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। फॉर्मूले पे बहुत ध्यान दे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे।